हेलो सर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति। खमागणी मामा को आप भी खमागणी करो। खमागणी सर, खमागणी खमागणी। मेरे चैनल पे मामा बहुत स्वीट सा बन जाते हैं। ओके, अच्छा आज क्यू का बर्थडे है, यानी कि 26 अप्रैल है। तो मैंने और मामा ने सोचा कि वैसे तो हम लोग कुछ, आप हमारे पीछे देख लो, कोई डेकोरेशन नहीं है ना, ऐसा हमने ताम झाम कुछ किया नहीं है। मामा क्यू रोने लग गई। तो वैसे तो हमने कोई ताम झाम किया नहीं है, घर जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना क्यू का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। क्यू मैडम रो रही है। मामा चुप हो गई क्या? तो मैंने सोचा कि क्यों ना एटलीस्ट केक मंगा लिया जाए और भाभी साहब को सबको कॉल कर लिया जाए। तो नीतू क्या है, घर गए हुए हैं, नीचा जो है उनके मामी साहब को माए हुए, तो मैं उनको भी कॉल करने वाली हूँ। और मेरे भाभी साहब को हम जो इधर वाले हैं उनको भी कॉल कर लेती हूँ, ऋषु किशु भाई साहब सबको फोन कर लेती हूँ, ताकि हम सब केक कटिंग करके क्यू का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। और हमारा क्यू तो सो रहा है। क्यू है, देखो क्यू सो रहा है, सोते रहते हैं सारे दिन, सोता रहता है ये, सारा दिन सोती है वहां से ये क्यू। और मम्मा ये भी तो बताओ कि हमने आज डेकोरेशन वगैरह क्यों नहीं की, क्योंकि कल रात को हम लोग इतना जागे थे कि हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई मेरी और मम्मा दोनों की, क्यू के चक्कर में। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ठीक है एटलीस्ट केक, छोटा सा कर लेंगे, छोटा सा केक कटिंग करके सेलिब्रेट कर लेते हैं। मतलब उसके बाद मैं 6 मंथ में ही करूंगी मामा, उसके बाद मैं हर महीने नहीं करने वाली हूँ, उसके बाद मैं 6 मंथ में अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। और उसके बाद जब इसका फर्स्ट बर्थडे आएगा 1 ईयर वाला, तो क्यू हमारी क्यूटी पाई लग रहा है ना। नींद में क्यू उठ जा बिट्टू, उठ जा उठ जा। तो क्यू का यही वाला रूटीन है। क्यू क्या करते हैं भी देखो, 7:30 बज रहे हैं शाम के ना, और इसका रोज का है ये ना, सुबह तो मस्त पूरे दिन भर सोती है और मैडम रात को मस्त जागती है, टमर टमर देखती है। मम्मी बोलते हैं कि पूरी रात को टमर टमर देखती है। तो चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैंने मेकअप ले लिया है लाइट सा, जो भी मुझे लेना था। अब मैं राजपूती ड्रेस देख लेती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी और आपको भी दिखाती हूँ। तो मैं ये राजपूती ड्रेस पहन रही हूँ, ये कॉटन का ओढ़ना है और ये 4 मीटर है, जो कि बहुत ही प्यारा सिला हुआ है। वैसे मेरा और मम्मी का प्लान है इस पे कुछ ना कुछ लगाने का, कुछ फूल या कुछ भी, मतलब मैं गोटे का कोई काम करवा लूंगी जिससे ये और अच्छा हो जाएगा। इस पे प्योर का ओढ़ना है, लेकिन फिलहाल मैं, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ऐसे नहीं चाहिए था क्योंकि क्यू को भी गोद लेना होगा, तो मैं इसलिए इस पे ये प्यारा सा ये तारी का ओढ़ना है ये मैं ओढ़ने वाली हूँ। और तब तक मम्मा क्यू को एंटरटेन कर लेंगे। मम्मा प्लीज़ आप इसको चुपचाप रख लेना, तब तक मैं फटाक से रेडी हो जाती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट। ओके ओके तो मैं हूँ फाइनली तैयार और मैंने क्या पहना है वो देख लो। हालांकि इस पर अभी गोटा लगाया हुआ नहीं है क्योंकि ये सूट अभी प्रिपेयर होना बाकी है, इस सूट पे भी बहुत सारा काम करवाऊंगी, लेकिन मेरा मन था ये कलर पहनने का तो मैंने सोचा पहन लिया जाए। और बैकग्राउंड में क्यू की आवाज आ रही होगी कंटिन्यू, क्यू ओए ओए कर रही है। मामा दिख रहा है मेरा सूट? दिख रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप भी मुझे कमेंट में बताना कि ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने भाभी साहब को, उनको, नीचा को, बच्चों को, सबको कॉल कर दिया है। हालांकि सब लोग बिजी हैं, बाहर गए हुए हैं, डीमार्ट शॉपिंग करने के लिए गए थे, पर मैंने भाभी साहब से कहा है कि मैं वेट कर लेती हूँ, जब भी आप लोग आओगे तभी अपन केक काटेंगे। तो भाभी साहब को और नीचा जब भी आते हैं फिर केक काटते हैं, और तब तक क्यू को भी मैं थोड़ा चुप करवाती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था केक और कुछ खाने पीने की चीज़ें, जो कि अभी जस्ट अभी पहुंची है। चलो मैं आपको केक खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है। मंगवाया है मैंने केक, वैसे तो जल्दबाजी में ही ऑर्डर किया था, इतना कोई प्लान था नहीं मेरा, तो जो केक मिला मैंने ऑर्डर कर दिया। और इसके अलावा मैंने कुछ बर्गर और सैंडविचेस मंगवाए हैं ताकि हम लोग हल्का सा यू नो लाइट खाना पीना कर लेंगे। ऐसे तो कुछ यू नो ग्रैंड पार्टी तो कुछ हो नहीं रही है, पर ठीक है मेमोरीज के लिए अच्छा है। और ये देखिए सबके आते घर में रौनक हो गई, स्पेशली रिशा किशा से रौनक हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं केक कटिंग। अपन करते हैं, अपन करते हैं, लाओ लाओ मुझे तो चलो हम लगाएंगे फायर। फायर क्यों? फायर फायर करो स्टार्ट। फिर बस आपने बुला लो अभी हम सब साथ में करेंगे, आपको 1 2 3 करना है, ठीक है? अभी नहीं, क्यों क्यों भी आ जाए आपके साथ। बस 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 मारो। ये केक कटिंग करेगी
तो ऋषु और किशु हर बार यही करते हैं, जब भी केक कटिंग होता है, जब भी किसी का भी बर्थडे क्यों ना हो, दोनों भाई बहन लड़ने बैठ जाते हैं। पहले इन लोगों को ये लड़ाई होती है कि हम केक काटेंगे, वो बोलता है मैं काटूंगा, ये बोलती है मैं काटूंगी। उसके बाद इनमें ये लड़ाई होती है कि जल्दी केक कौन फिनिश करेगा, ये लोग खाना शुरू हो जाते हैं। तो खैर बच्चों के साथ तो यही होता है, यही मस्ती है और यही सेलिब्रेशन है। किशु सबसे पहले खिलाते हैं आपको। किशु लो खा लो, किशु आप खाओ, इधर आओ। नहीं नहीं किशु आप खाओ, मेरे को जल्दी खाओ, ये करो आ करो आ करो। कौन खवाएगा मुझे? किशु अल मेरी को आप लोग खा रहे हो यार, अपन ने किसी ने हैप्पी बर्थडे तो बोला ही नहीं। हैप्पी बर्थडे क्या निशा यार, ज्योतिषा बट इसमें से तो अंदर व्हाइट कैसे आ गई क्रीम? मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो यही बोल के दिया। अरे वो तो बोलता ना पूरा डॉक्टर गया चाहिए बोलो किशु बोलो। छोड़ रही है केक के ऊपर यहाँ बैठे मम्मा क्या लोगे सैंडविच? इधर आप मम्मा उनके पहले चीज और लिशु वही पड़ेगी, चीज ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं ये तो आपको ताजा ही बनाया होगा, मैं आपको बाहर निकाल देती हूँ। कैसे बोल रहे हैं? मैं अच्छे से बोल देती हूँ आपको। ऐसे ही आया था ऋषभ, आपको खोलने में दिक्कत आ रही है। ठीक है ठीक है, इसका ये अब आपको इसमें। तो ये था हमारी क्यू के बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन जो हमने किया। और ऋषु किशु को तो आपने देख लिया कि वो कैसे करते हैं जब केक कटिंग होती है, क्योंकि बच्चे तो ऑफकोर्स आपको पता है ऐसे ही करते हैं। तो चलिए देखो अब आपको किशु दिखाती हूँ, किशु अकेले बैठ के पूरा केक खा रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, आई होप आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा।